हे hey फीवर एक कॉमन कंडीशन है जिसे हम एलर्जिक राइनाइटिस, राइनाइटिस यानी इरिटेशन और इन्फ्लामेशन ऑफ द नोज और नेजल एलर्जीज़ भी कह सकते हैं हे फीवर सीजनल पेरिनियल और ऑक्यूपेशनल भी हो सकता है हे फीवर सिम्टम्स रनी नोज नेजल कंजेशन स्नीजिंग वाटरी, रेड और इची आईज, कफिंग इची थ्रोट पोस्ट नेजल रीप इची नोज साइनस प्रेशर एंड पेन ईची स्किन हे फीवर ट्रीट नहीं किया गया तो सिम्टम्स काफी दिन तक चल सकते हैं हे फीवर सिम्टम्स इन इन्फंट एंड चिल्ड्रन चिल्ड्रन में हे फीवर एक्सट्रीमली कॉमन है बल्कि यह रेयरली थ्री ईयर्स से कम उम्र वाले बच्चों में देखने को नहीं मिलता है बट एलर्जिक सिम्टम्स ट्रीट करना इंपॉर्टेंट होता है स्पेशली इन इन्फंट एंड चिल्ड्रन अगर ट्रीट न किया गया तो लॉन्ग टर्म हेल्थ कंडीशन जैसे अस्थमा साइनोसाइटिस और क्रोनिक एयर इन्फेक्शन भी हो सकता है यंगर चिल्ड्रन को हे फीवर के सिम्टम्स कॉन्सेंट्रेशन एंड स्लीपिंग पैटर्न को अफेक्ट करते हैं हे फीवर कॉम्प्लिकेशंस स्पेसिफिक एलर्जन से एक्सपोज होने के बाद इमिजिएटली हे फीवर के सिम्टम्स दिखते हैं यह सिम्टम्स ज्यादा दिन रहे तो वे वेरियस कॉम्प्लिकेशंस कॉज करते हैं जिसमें क्लॉग्ड एयर सोर थ्रोट डिक्रीज सेंस ऑफ स्मेल हेड एक् डार्क सर्कल्स अंडर आईज, फटीक इरिटेबिलिटी पपनेस अंडर द आईज कुछ समय तक यह सिम्टम रहे तो वह बहुत बॉडीली एक्टिविटीज पर नेगेटिव इफेक्ट कॉस करते हैं जैसे स्लीप क्वालिटी अस्थमा सिम्टम्स आ सकते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ क्योंकि यह सिम्टम्स बॉडिली एक्टिविटीज को लेस एंजॉएबल बनाती है ईयर इन्फेक्शन जो की कॉमनली चिल्ड्रेन में होता है एलर्जिक यह तब होता है जब एलर्जन आई मेम्ब्रेन को इरिटेट करे हे फीवर कॉजेस हे फीवर एलर्जन से एक्सपोज होने के बाद होता है जिसमें पोलन मोल्ड और फंगी डस्ट माइट्स, सिगरेट स्मोक और परफ्यूम्स जेनेटिक फैक्टर से भी हे फीवर हो सकता है यानी आपकी फैमिली को एलर्जी हो तो आपको भी एलर्जी हो सकती है फीवर प्रिवेंशन घर की विंडो क्लोज रखना ताकि पोलन की एंट्री प्रिवेंट हो बाहर जाते समय सनग्लासेस वेयर करना डिमिडिफायर यूज करना ताकि मोल्ड और फंगी को कंट्रोल कर सके एनिमल के कॉन्टेक्ट में आने के बाद हैंड वॉश करना हे फीवर रिस्क फैक्टर एलर्जीज और अस्थमा होना यानी एक्जिमा होना फैमिली हिस्ट्री होना एलर्जन से एक्सपोज होने वाले इन्वायरमेंट में काम करना मदर जो बेबी के फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में स्मोक करे तो बेबी को हे फीवर होने की रिस्क बढ़ जाती है हे फ्यूवर डायग्नोसिस स्किन प्रिक टेस्ट इस टेस्ट में हम एलर्जन प्रिक करते हैं और हमें एलर्जिक रिएक्शन होती है या नहीं देखनी होती है सेकंड टेस्ट एलर्जी ब्लड टेस्ट होती है हे फीवर ट्रीटमेंट नेजल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंटीहिस्टामिन्स डीकंजेस्टेंट्स क्रोमाइल सोडियम ल्यूकोट्राइन मॉडिफायर नेजल इप्राट्रोपियम ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा हे फीवर क्या है उसके कॉजेस सिम्टम्स कॉम्प्लिकेशंस, रिस्क फैक्टर प्रिवेंशन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू